Top 100. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अखिल भारतीय मैं भी चौकीदार अभियान, सभी संसदीय क्षेत्रों से संवाद। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से होगा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण, 500 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे मोदी। इन जगहों पर बीजेपी सांसद और दिग्गज नेता भी होंगे मौजूद। आगरा में रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली के सभी 7 संसदीय क्षेत्रों से जुड़ेंगे पीएम राजनाथ सिंह, अमित शाह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे नेता दिल्ली के अलग अलग इलाके में होंगे मौजूद। देश भर में 12 केंद्रों पर मोदी करेंगे चौकीदार से सीधा संवाद, इनमें से एक ग्वालियर, ग्वालियर मेला मैदान में फैसिलिटेशन सेंटर। 31 मार्च को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का दौरा करेंगे राहुल गांधी, 3 शहरों में जनसभा का है कार्यक्रम। आज विशाखापट्टनम विपक्षी एकता की बड़ी रैली, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कई पार्टियों को बुलाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आएंगी रैली में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे मंच पर। आज गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, जल वी के सिंह के लिए करेंगे प्रचार। ग्रेटर नोएडा के बसेड़ा गांव में भी सीएम योगी की सभा, अखलाक हत्याकांड के बाद सुर्खियों में था गांव। धूम धड़ाके के साथ अमित शाह ने गांधीनगर से भरा पर्चा, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे शाह। पर्चा भरने से पहले अमित शाह ने किया 4 किलोमीटर लंबा रोड शो, सहयोगी दलों के तमाम नेता साथ रहे। राजनाथ सिंह, उद्धव ठाकरे, प्रकाश सिंह बादल ने शाह के रोड शो में लिया हिस्सा, एलजेपी के रामविलास पासवान भी शामिल हुए। अहमदाबाद के नारनपुरा इलाके में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू हुआ था रोड शो। घाट लुधिया इलाके में पाटीदार चौक पर हुआ खत्म। पर्चा भरने के पहले अमित शाह की हुंकार, कहा निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं मोदी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भावुक हुए अमित शाह, कहा 1982 में पोस्टर और पर्चा चिपकाता था और आज पार्टी अध्यक्ष। 1982 के दिन याद आते हैं, इसी नारायणपुरा बोर्ड की संघवी हाईस्कूल बूथ के एक बूथ के अध्यक्ष के रूप में मैंने अपना काम शुरू किया। राजनाथ सिंह ने अमित शाह की जमकर सराहना की, बोले अध्यक्ष रहते मैं नहीं कर सका, वो अमित शाह ने कर दिखाया। अमित शाह की संपत्ति 5 साल में 3 गुना, शपथ पत्र में अमित शाह की कुल संपत्ति 30 करोड़। अमित शाह ने करीब 17 करोड़ रुपए लगाए हैं शेयर बाजार में। वेतन किराए खेती से भी होती है आमदनी। बिहार की सीतामढ़ी सीट को लेकर बवाल, पूर्व सांसद सीताराम यादव का अल्टीमेटम, अर्जुन राय से टिकट वापस नहीं लिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार रोडमल नागर का लगातार विरोध, एबीवीपी नेता ने कहा मोदी जी हम सब चौकीदार थे पर हमने एक चोर को चुन लिया। टिकट मिलने के साथ ही पहली बार बक्सर पहुंचे अश्विनी चौबे, बाबा परमेश्वर नाथ के किए दर्शन। उत्तराखंड की पौड़ी सीट पर इस बार 2 भाई आमने सामने, खंडूरी का बेटा कांग्रेस से उम्मीदवार तो उनका शिष्य और तीरथ सिंह रावत बीजेपी से। बिहार के बेगूसराय में है गुजरात का नेता जिग्नेश मेवाणी, कन्हैया कुमार के लिए मांग रहा है वोट। मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बीजेपी पर हल्ला बोल, राम को सड़क पर बेचेंगे वोट के नाम पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर बोला बड़ा हमला, कहा चोरी कर बढ़ाई संपत्ति। राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस में ओला परिवार से बाहर था उम्मीदवार श्रवण कुमार को बनाया प्रत्याशी। आरएलजी नेता जयंत चौधरी का बयान, नहीं लिया है जाटों का ठेका, किसान मजदूर की बात करता हूं। बिहार के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की उम्मीदवारी पर घमासान, पूर्णमासी राम ने हर हाल में इसी सीट से चुनाव लड़ने का किया है ऐलान। यूपी के देवरिया में बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का स्वागत करने प्लेटफॉर्म पर उमड़े कार्यकर्ता, आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। देवरिया से कांग्रेस प्रत्याशी नियाज अहमद खान भी आचार संहिता केस में घिरे, निर्वाचन आयोग ने भेजा नोटिस। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान, कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी आईएसआई के एजेंट, राहुल गांधी पाकिस्तान के राजदूत। पश्चिम बंगाल की बांकुरा में बंगाल सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का बयान, पुलवामा हमले के दौरान वीडियो शूटिंग में व्यस्त थे पीएम। दिल्ली के गोकुलपुर में अरविंद केजरीवाल की जनसभा, पूर्ण राज्य के लिए मांगा वोट।
टिकट मिलने के बाद रीता जोशी पहली बार पहुंची प्रयागराज, कई गाड़ियों का काफिला हूटर बजाते हुए निकली। मुंबई में युवा सेना ने किया पूनम महाजन का विरोध, प्रचार सामग्री पर आदित्य ठाकरे की तस्वीर नहीं होने से नाराज। कानपुर में गठबंधन ने पूर्व विधायक रामकुमार निषाद को दिया टिकट, बीजेपी से कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी और कांग्रेस से पूर्व कोयला मंत्री शिवप्रकाश जायसवाल से मुलाकात। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आर सीपी सिंह पहुंचे कटिहार, 40 सीटें जीतने का किया दावा। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सूरत में तैयार हुई कांग्रेस की चुनावी साड़ी, दिग्गज नेताओं की तस्वीरें। यूपी के बाराबंकी में एसपीबीएसपी बूथ सेक्टर सम्मेलन भी अफरा तफरी, लंच पैकेट के लिए मची लूट, कार्यकर्ताओं के बीच बैठा नजर आया बंदूकधारी, आचार संहिता का खुला उल्लंघन। संभल में बीजेपी उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी ने चौकीदार के साथ नामांकन किया, कहा मैं भी चौकीदार। आगरा में 107 साल के बुजुर्ग मतदान के लिए उत्साहित, 1951 में देश के पहले चुनाव से करते आ रहे हैं मतदान। रांची में कई नेता पहुंच रहे हैं रिम्स, लालू प्रसाद यादव की सेहत का पूछा हाल। औरंगाबाद में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन, 376,000 का कैश और शराब जब्त। पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी उम्मीदवार की प्रचार गाड़ी पर हमला, कार्यकर्ता की पिटाई कर की तोड़फोड़। फिरोजाबाद में हाईवे पर चेकिंग के दौरान कार में 9,00,000 कैश बरामद, एक पिस्टल और एक राइफल भी मिली। बिहार के बेतिया में 12 किलोग्राम चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, बाजार में कीमत 2 करोड़। बिहार के जमुई में एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान ने शुरू किया चुनाव प्रचार, लोगों से मिलकर मांगा वोट। बिहार के सासाराम में रेत माफिया ने आरटीओ को पीटा, जान लेने की धमकी। दिल्ली में यो हनी सिंह का फैन शहजादा पहुंचा हवालात, हथियार के साथ टिकटॉक बनाने पर गिरफ्तारी। गानों पर टिकटॉक बनाने के साथ साथ पिस्टल भी हवा में लहराता दिखा शहजादा, साथ में दिख रहा दोस्त भी गिरफ्तार। गुजरात के नर्मदा में वीआईपी सर्किट हाउस और सीआरपीएफ कैंप के बीच जंगल में लगी आग, टूरिस्टों में दहशत। यूपी के इटावा में पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल, दो गाड़ी और दो तमंचे बरामद। दिल्ली में 6,00,000 लूट की फिल्मी कहानी से पर्दा उठा, कैश कलेक्शन के बाद बनाई गई लूट की प्लानिंग। महंगी बाइक खरीदने के लिए आरोपी ने रची थी साजिश, दो साथी भी गिरफ्तार। दिल्ली की बुराड़ी में खिलौनों के 3 मंजिला गोदाम में लगी आग, काबू पाने में लगे 4 घंटे। राजस्थान के अलवर में फिर गौरक्षकों का हमला, गाय खरीदकर घर लौट रहे शख्स पर हमला। पुलिस ने पिटाई के आरोप में तुषार सोलंकी को गिरफ्तार किया, साथियों की तलाश जारी। दिल्ली के प्रीतविहार इलाके में घर के बाहर से बाइक उठा ले गए चोर, सीसीटीवी में तस्वीरें हुई रिकॉर्ड। लखनऊ में थाने का हेड कांस्टेबल ही चोर निकला, चेकिंग के दौरान पकड़े गए रुपयों का गबन का आरोप। कानपुर में पकड़े गए वेगनार से बकरी चुराने वाले, कई जिलों में बकरियों के झुंड को बनाते थे निशाना। इंदौर के फैमिली कोर्ट में एक शख्स ने दिया आवेदन, राहुल गांधी की सरकार आने पर मिलने वाले 6,000 में से दे पाऊंगा भरण पोषण की राशि। राजस्थान के जोधपुर में एक फैक्ट्री में आग, गैस के सिलेंडर से धमाका। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न केस में सभी 20 आरोपियों पर आरोप तय, दिल्ली के साकेत कोर्ट में 3 अप्रैल से शुरू होगा ट्रायल। कथित मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, उम्रकैद तक की हो सकती है सजा। मोतिहारी में 50,000 का इनामी शूटर गिरफ्तार, सुपारी लेकर वारदात करने के 19 मामलों में पुलिस को थी तलाश। ससरा में आरटीओ ऑफिस पर हमला, टूटा दाहिना हाथ, माफियाओं ने दी गोली मारने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा में एरिया कमांडर समेत 2 नक्सली गिरफ्तार, हथियार और नक्सली साहित्य बरामद। आगर मालवा में सांगवान के जंगल में लगी भीषण आग, 700 से ज्यादा पेड़ जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान। असम के धुबरी जिले में 15 दुकानों में लगी भीषण आग, 5 एलपीजी सिलेंडरों में ब्लास्ट, एक शख्स बुरी तरह से झुलसा। बिहार के मनेर में शराब माफिया की गुंडागर्दी, पुलिस को सूचना देने वाले के घर पर हमला, कई घायल। मुंगेर में 10 साल की बच्ची का अपहरण, 24 घंटे बाद पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग। यूपी के बाराबंकी में शराब की खेप पुलिस ने पकड़ी, हरियाणा के 2 तस्कर गिरफ्तार।
उत्तरकाशी में मुखवा और जांगला के बीच गिरी बर्फ की चट्टान, रास्ता बंद। पहाड़ी से ग्लेशियर टूटकर फिसला, नीचे थोड़ी देर के लिए रुक गया भागीरथी नदी का प्रवाह। हिमाचल के नारकंडा में भी टूरिस्टों की भीड़, मार्च में बर्फ से भरी वादियों का नजारा। टूरिस्ट विभाग के मुताबिक अप्रैल के आखिर तक नारकंडा में रहेगी बर्फ, कई तरह के खेलों का आयोजन। अलीगढ़ में तेज तूफान के साथ हल्की बारिश, पेड़ उखड़कर बिजली के तारों पर गिरे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पहुंची नीता अंबानी, पंजाब के साथ मुंबई की टीम के मैच के दौरान हरमंदिर साहब में मत्था टेका। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर लगाया रक्तदान शिविर, पुलवामा शहीदों के सम्मान में आयोजन। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में कला विषय का टॉपर है मनीष कुमार, पिता निजी स्कूल में है ड्राइवर। बेतिया की रहने वाली रोहिणी रानी भी कला विषय की टॉपर, बनना चाहती है हिंदी की टीचर। अरुणाचल के सियांग में आदिवासी महिलाएं बांस से बनाती हैं खूबसूरत सामान, प्रदर्शनी का आयोजन। पूरे देश में मनाया गया अर्थ दिवस, दिल्ली के इंडिया गेट में भी मनाया गया। दिल्ली में सरकारी इमारतों की बत्तियों को किया गया बंद। मुंबई में सीएसटी स्टेशन पर बुझाई गई बत्ती, ऊर्जा बचाने का संकल्प। पूरी दुनिया में दूसरे जगहों पर अर्थ आवर के दौरान बत्ती गुल, पेरिस के एफिल टावर में छाया अंधेरा। न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट और सिडनी में ओपेरा हाउस में भी गुल हुई बत्ती। आईपीएल में दिल्ली की रोमांचक जीत, सुपर ओवर में कोलकाता को 3 रनों से दी मात। दिल्ली के तेज गेंदबाज रबाडा का कमाल, सुपर ओवर में सिर्फ 7 रन बनने दिए। टाई पर खत्म हुआ दिल्ली और कोलकाता का मैच, 20 ओवर में दोनों ने बनाए 185 रन। दिल्ली के ओपनर पृथ्वी शॉ ने बल्ले से किया धमाल, जड़े 55 गेंदों में ताबड़तोड़ 99 रन। कोलकाता की ओर से रसेल ने फिर खेली तूफानी पारी, 28 गेंदों पर बनाए 62 रन। आईपीएल के मौजूदा सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब की दूसरी जीत, मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया। किंग्स इलेवन की जीत के हीरो रहे केएल राहुल, नाबाद 71 रनों की खेली पारी। क्रिस गेल ने 40 रनों की पारी खेली, माइक अग्रवाल ने बनाया 43 रन। आईपीएल में आज दो मुकाबले, हैदराबाद से भिड़ेगा बेंगलुरु, दूसरे मैच में चेन्नई और राजस्थान की भिड़ंत। आजम शाह कप के फाइनल में हरा भारत, पेनल्टी शूटआउट के दौरान हारकर कोरिया बना चैंपियन। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।